हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 7 के वर्कशीट 27 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। और डेट है बच्चों इस वर्कशीट की 29 दिसंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप ऑल पे क्लिक करना ना भूलें बच्चों, तभी आपको मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। तो ये आपकी मैथ की वर्कशीट है, और आपकी हिंदी की जो वर्कशीट है वो भी मैं अपने उससे उसकी वीडियो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ। तो आप वो वीडियो आपकी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो आप वीडियो पर क्लिक करके जल्दी से जल्दी आप अपनी हिंदी की वर्कशीट को भी कंप्लीट कर ले बच्चों। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे डाटा हैंडलिंग सिक्किम एंड दिल्ली। तो सिक्किम और दिल्ली का कोलैबोरेशन में आपको पढ़े, आप आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट आपके स्कूल में भी दिया हुआ सिक्किम के बारे में। तो आज सिक्किम के बारे में ही हम डाटा हैंडलिंग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है ड्रॉ द दिस मैंडला डिजाइन एंड कम्प्लीट द गिवन टेबल यूजिंग टेलीमार्क, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा यूजिंग बार ग्राफ। तो आपको क्या करना है, इसको आपको टेबल में दिखाना है, टेबल के बाद आपको इसकी टेलीमार्किंग करनी है, फिर उसको आपको बार ग्राफ में भी शो करना है। तो देखते हैं इसको वन बाय वन। पहले हम क्या करेंगे, इसकी टेलीमार्किंग करेंगे, मतलब पहले हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे फिर उसकी टेलीमार्किंग करेंगे। तो पहले देखते हैं ये वाला डिजाइन हमारा कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 9। अब ये वाला बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पे 16 लिख देंगे। नेक्स्ट ट्रायंगल हमारे पास चार बार है, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको 1 2 3 4। नेक्स्ट सर्कल, एक सर्कल ये रहा, एक ये रहा 2 3 4, एक पाँच और ये 6। तो 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, तो आप इसकी टेलीमार्किंग करके, टेलीमार्किंग के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम जैसे अगर हमें 7 दिखा रहे हैं, हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5 पे आते हैं, हम क्रॉस कर देते हैं, 2 बच गए 6 7। तो ऐसे अगर हम 9 का करेंगे तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4, तो हो गया हमारे पास 5 + 4 9 हो गया। नेक्स्ट हमें 16 दिखाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 × 3 + 1, तो 5 हम 3 बार बनाएंगे फिर उसको 1 दिखाएंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, और एक हमारा अलग से वैसे 4 1 2 3 4। ठीक है, 6 1 2 3 4 5 एंड देन 6, तो ये होगी हमारी टेलीमार्किंग। अब इसका हमें दिखाना बार ग्राफ, तो इसका बार ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आपको दिखाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ऐसे एक टेबल बना लेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया क्या गया है, शेप लिख लेंगे, और यहाँ पे उसका आप इसको टेबल लिख देंगे, जैसे कि आप यहाँ पे लिखेंगे तो शेप का नाम लिख देंगे। यहाँ पे आप दिखाएंगे कि पहले आपको कितनी बार है ये वाली शेप, पहले आपके 9, तो जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे 2 4 6 8 10 12 14 एंड देन 16। ठीक है, तो आपको फर्स्ट दिखाना आपको यहाँ पे 9, तो 9 दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, आप इन दोनों के बीच में, तो आपका फर्स्ट जो बार ग्राफ बनेगा वो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप शेप का नाम ऐसे यहाँ पे शेप ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट है आपका 16, तो आप स्क्वेयर है आपका, तो स्क्वेयर है आपका 16, तो आप यहाँ से ये आपका बन जाएगा नेक्स्ट, इसमें आप स्पेस दे दीजिए, यहाँ से ना करके आप एक काम करेंगे, यहाँ से थोड़ा स्पेस दे देंगे, इसको ना करना बच्चों, आप इससे ऐसे करेंगे आप, तो यहाँ पे आप शेप बना देंगे इसकी स्क्वेयर, ये थी हमारी शेप स्क्वेयर की, तो आप स्क्वेयर बना देंगे यहाँ पे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 9 था, यहाँ पे आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको 16 दिखा देंगे, ये वाला पार्ट आप रफ कर दें इसका। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है 4 एंड 6, तो 4 एंड 6 ट्रायंगल का है, तो 4 आपका इधर है, तो इसके बराबर में आपका ये बनेगा 4। ठीक है, ये आपका हो गया ट्रायंगल 4 एंड देन 6, आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 6, ये आपका 6 हो गया, तो ये हो गया आपका सर्कल का। तो इस प्रकार आप अपना बार ग्राफ भी बना लेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तीनों पार्ट मैंने बता दिया इसका, बार ग्राफ ये सीधा सीधा बनाना आपको। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हैं 9, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 6 बच्चों। तो ये आपका सारे सभी शेप हो गया हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो यहाँ पे आप ये भी दिखा देना, ये शेप है, यहाँ पे आप लिख देंगे फ्रीक्वेंसी इनकी। ठीक है, इस प्रकार आपका एक बार ग्राफ भी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलस एंड सेकंड स्मॉल
स्मॉलेस्ट अमंग द इंडियन स्टेट, ए पार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालय, सिक्किम इज अ नोटेबल फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग एल्पाइन सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एज वेल एज बींग ए होस्ट ऑफ कंचनजंगा द हाइस्ट पीक इन इंडिया एंड द थर्ड हाइस्ट ऑन अर्थ द कैपिटल ऑफ गंगटोक इट इज द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, रीड अबव पैराग्राफ अबाउट सिक्किम एंड प्रिपेयर द टेबल ऑफ वावल। तो आपको इस टेबल को मतलब पैराग्राफ को पढ़ना और इस वावल की टेबल को कंप्लीट करना है। तो इट मीन्स आपको क्या काउंट करना है कि ए हमारा इस पैराग्राफ में कितनी बार आया है। तो हम दिखाते हैं इसको, इसमें आपका आया 32 बार, तो ए आया आपका 27 बार। ठीक है, आप काउंट कर लेना बच्चों, आई आया आपका 28 और ओ आया आपका 15 और यू आया है आपका बच्चों 6। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इनकी टैली मार्किंग करनी है। टैली मार्किंग के लिए बताया मैंने 5-5 का पेयर बनते हैं, तो 5 के 30 प्लस 2 बज के आपका, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 छः बार आएगा ये, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बज गया 2, दो अलग से आएंगे। वैसे 27 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपको हो गया 15, आपको क्या करना है 5 प्लस 2 बज जाएगा आपका ना, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 आपका बच गया 2। ठीक है, तो इस प्रकार आपका 5 10 15 20 25 27 ऐसा आपको 28 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 ऐसा आपको 15 दिखाना, तो 5 तीन बार आएगा बच्चों। ठीक है, 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। नेक्स्ट आपका 6, तो 5 एक बार आएगा, फिर उसमें एक अलग से दिखेगा 1 2 3 4 5 एंड देन 1। तो ये हमारा हो गया 6। तो इस प्रकार आप अपनी टैली मार्किंग भी कर लेंगे। राइट द वावल डेट अपीयर लिस्ट एंड द मोस्ट इन द पैराग्राफ। तो सबसे कम कौन सा वावल दिख रहा है बच्चों हमारे पास, यू, और सबसे ज़्यादा कौन सा दिख रहा है हमारे, ए। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, लिस्ट में आप लिख देंगे हमें दिख रहा है यू, उसकी संख्या 6 एंड द मोस्ट, मोस्ट आप लिखें ए, उसकी संख्या बच्चों 32। तो उसके बाद आपको बताना है इसका डिफरेंस, डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों, 32 - 6 इट मीन्स 26। और ये होगी हमारी रेंज बच्चों, रेंज भी इसी को बोलते हैं रेंज। तो आप लिखेंगे रेंज ऑफ द डाटा क्या हो जाएगी 26। तो आप कंप्लीट फर्स्ट पार्ट आप इसे ऐसे ही लिख के इसको अपने टीचर से चेक कराएंगे बच्चों। नेक्स्ट फाइंड द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड आई, ए और आई की हमें रेशियो निकालनी है। तो ए हमारे पास 32 है और आई हमारे पास 28 है, तो रेशियो निकालते हैं इसकी, रेशियो ऑफ लिखेंगे आप इसी टाइप से, आप लिखेंगे रेशियो ऑफ ए एंड आई। ठीक है, तो ए हमारे पास कितनी बार है बच्चों, 32 एंड आई हमारे पास 28। तो इस प्रकार आप इनको काट लेंगे, 4 8s and 4 7s, तो इसकी रेशियो आएगी बच्चों 8:7। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, थर्ड, सिक्किम इन इंडिया इज द लीस्ट पॉपुलस स्टेट इन विथ 160577 इनहेबिटेंट्स अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। हिस्टोरिकल पॉपुलेशन अप्रोक्स इन थाउजेंड ऑफ सिक्किम इज गिवन बिलो द टेबल, फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द पॉपुलेशन। तो आपको यहाँ पे एक टेबल दी गई है, इसका आपको मीन और मीडियन बताना है इसका। तो जैसे हम जानते हैं मीन क्या होता है कि हमें जितने ऑब्जर्वेशन दिए हुए होते हैं उन सबका प्लस करते हैं, डिवाइड बाई कितने ऑब्जर्वेशन है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, इसका फॉर्मूला इसका मीन निकालने का, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सेम टू सेम बच्चों ऐसे ही लिखना है आपको जैसे मैं लिख रही हूँ, मीन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, टोटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन लिख लेंगे आप इस पे। थर्ड क्वेश्चन का मीन निकाल रहे हैं, तो हमारे पास पता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो आप इसमें लिख के बताएंगे। तो ये मैं ऊपर की तरफ कर देती हूँ, तो इस प्रकार हम देखेंगे बच्चों सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या होता है एंड टोटल ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ टोटल, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब हम क्या करेंगे, ये सारे ऑब्जर्वेशन हमारे इन सबको हम ऊपर रखेंगे, और टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे कितने पास है, हमारे पास 7। तो इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे, सबको हम क्या करेंगे पहले इनको प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 7 कर देंगे। ठीक है, तो आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 2384 बच्चों, डिवाइड बाय 7, तो आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चों 340.57, ये आपका आ गया बच्चों मीन। ठीक है, तो आप सेम टू सेम ऐसे ही लिखेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, अब मीन ऐसे निकालेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें हमें क्या निकालना है,
मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं आपको बताती हूँ मैं। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, इसके बाद आपका सेकंड पार्ट है इसका मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑड है, तो ऑड अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन है आप लिखेंगे ऑड आर द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या आपके ऑड है, तो फॉर्मूला बनेगा आपका एन प्लस वन बाय टू टी एच। ठीक है, तो आपके पास एन की जगह आप क्या रखेंगे, सेवन प्लस वन बाई टू टी एच, मतलब वही टर्म हमारे पास है एट बाई टू डिवाइड बाई, तो हमारे पास है गया फोर्थ। तो फोर्थ जो ऑब्जर्वेशन होगी बच्चों वो हमारा क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। तो हम देखते हैं फिर से अपने टेबल में कौन सा हमारा फोर्थ ऑब्जर्वेशन, तो ये हमारा वन टू थ्री फोर, तो ये हमारा फोर्थ ऑब्जर्वेशन है, तो ये हो गया हमारा बच्चों मीडियन। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, आप इसका फोर्थ नंबर पे हमारा 316, तो 316 क्या हो गया बच्चों हमारा मीडियन हो गया। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया बच्चों। तो जल्दी से जल्दी जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ है हमारे पास, गिवन बिलो बार ग्राफ इज टू रिप्रेजेंट दिल्ली एंड सिक्किम, लैंड एरिया, हाइट अबव द सी लेवल, एवरेज मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सिक्किम, राइट द डिफरेंस ऑफ लैंड एरिया इन स्क्वेयर किलोमीटर। तो आपको यहाँ पे टेबल दी गई है जिसमें आपको पहले लैंड एरिया दिखाया गया है, नेक्स्ट आपका हाइट अबव द सी लेवल, नेक्स्ट आपका मैक्सिमम टेम्परेचर, देन आपका एवरेज टेम्परेचर बच्चों। ठीक है, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताना है, फाइंड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सिक्किम। तो आप लिखेंगे एवरेज टेम्परेचर ऑफ सिक्किम इज इक्वल टू, फोर्थ क्वेश्चन लिख रहे हैं एवरेज टेम्परेचर ऑफ सिक्किम तो आपका एवरेज टेम्परेचर ऑफ सिक्किम आप टेबल से देख के लिखेंगे तो आपको दिख रहा है एवरेज टेम्परेचर क्या है सिक्किम का, सिक्किम को हम रेड से दिखा रहे हैं, तो ये आपका 18, ठीक है, तो आप 18 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे यहाँ पे, हो गया आपका 18 डिग्री सेल्सियस बच्चों। नेक्स्ट है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ना 18 है 25 है, ये आपका दिल्ली का, ये आपका सिक्किम का, रेड को हमने सिक्किम से दिखाया, ब्लू को हमने दिल्ली का दिखाया, राइट द डिफरेंस ऑफ लैंड एरिया इन स्क्वेयर किलोमीटर, तो आपको दिल्ली और सिक्किम का जो लैंड एरिया उसका डिफरेंस बताना, तो लैंड एरिया हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो डिफरेंस आप यहाँ पे लिख देंगे इसका सेकंड पार्ट का, तो डिफरेंस आप लिखेंगे तो 70.96 माइनस 14.84, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2, 1, 6 एंड 5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका इन स्क्वेयर किलोमीटर, तो आप ये लिखेंगे किलोमीटर स्क्वेयर, ये आपका इसका आंसर सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा बच्चों। तो पूरी वर्कशीट बच्चों आप जल्दी से जल्दी अपनी कंप्लीट कर ले, अपने टीचर से चेक करा ले, अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी है तो जल्दी से जल्दी बच्चों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इसी प्रकार मैं मेहनत करके आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाती जाऊँ। सब्सक्राइब करने के बाद आप ऑल पे क्लिक करेंगे तभी आपको मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताएं प्लीज़ बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, कोई डाउट है कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आपसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।